नमस्कार, मैं अरविंद कुमार और आप देख रहे हैं द्वारका सिटी न्यूज। आज मैं फिर से आपके साथ मौजूद हूं एक नए खबरों के साथ, जो कि सेक्टर 10 इंद्रप्रस्था पब्लिक स्कूल के पास आज पेरेंट्स बढ़ते हुए फीस के ऊपर एकजुट होकर स्कूल के सामने प्रोटेस्ट किए हैं। इसका मुख्य मकसद क्या है, जानते हैं इन्हीं के जवाब। नाम जसवंत है, मेरे दो बच्चे इंद्रप्रस्था स्कूल में पढ़ते हैं। आज हम लोगों की मीटिंग थी स्कूल मैनेजमेंट के साथ कि जो फीस उन्होंने बढ़ाई है ताकि उसको लोग वापस ले पाएँ। तो इस संदर्भ में हमारी मैनेजमेंट से मीटिंग हुई कि या तो आप पूरी फीस वापस ले लीजिए या कुछ हमारे को रिलीफ दीजिए, ताकि जो डेवलपमेंट चार्जेस एक्स्ट्रा हमसे ले रहे हैं, जो ट्रांसपोर्ट चार्जेस इन्होंने बढ़ाए हैं और जो एनुअल चार्जेस जो इन्होंने अभी बढ़ाए हैं, उसको ये लोग कम से कम उस अमाउंट को वापस ले लें, पूरा ना ले पाएँ तो। और हम यहाँ इसीलिए आए हैं कि स्कूल के अकाउंट्स हम ऑडिट करवा सकते हैं या और जो भी लीगल तरीके से हम लोग परस्यू करेंगे। तो मेरा एक पॉइंट ये है कि हम यहाँ किसी भी तरह से स्कूल को या इसको स्कूल मैनेजमेंट को डिसरेप्यूट करने नहीं आए हैं। हम किसी भी इलीगल तरीके से जाना नहीं चाहते। हम स्कूल मैनेजमेंट को ट्रस्ट करते हैं। हमारे बच्चे 10-10, 11-11, 5-5 साल से यहाँ पढ़ते हैं। हमारे एक ही प्रॉब्लम है कि इन्होंने जो ये अनरीजनेबल अनजस्टिफाइड फीस बढ़ाई है, पिछले 10 महीने में 34% के आसपास इन्होंने फीस बढ़ा दी है। किसी ने कम बढ़ाई है, किसी ने ज़्यादा बढ़ाई है, कई स्कूलों ने इलीगल भी बढ़ाई है। और उसमें स्कूल मैनेजमेंट का क्लियरली जैसे कि दिल्ली सरकार हमको सपोर्ट नहीं करती है, वो मीडिया में कुछ और बोलती है और हमारे साथ कुछ और ट्रीटमेंट करती है। सरकार हमको सपोर्ट नहीं करती, इसलिए फीस बढ़ाई जाती है। इसी के अंदर हमारा एक डिस्कशन और भी हुआ है कि जो पेरेंट्स जो नॉर्मल जो जनरल कैटेगरी के पेरेंट्स हैं, वो पैसे पे करते हैं ईडब्ल्यूएस के लिए भी। दिल्ली सरकार क्लियरली बोलती है कि हम ईडब्ल्यूएस के लिए फ्री सीटें देते हैं, तो उसका पैसा भी दिल्ली सरकार को देना चाहिए। लेकिन होता क्या है कि उसके पैसे भी एज ए नॉर्मल पेरेंट्स की फीस से चार्ज किए जाते हैं। तो स्कूल ये बोलता है कि हमको उसके बदले दिल्ली सरकार से कुछ नहीं मिलता, आप आज उसको दिल्ली सरकार को मना लो, हम आपकी फीस 25% से आज घटा देंगे। तो कहने का मतलब हमारी फीस का 25% पैसा ईडब्ल्यूएस की पेमेंट के लिए जाता है, जो दिल्ली सरकार जो कर रही है पूरी की तरह ढोंग है कि हम ईडब्ल्यूएस के लिए इतनी फैसिलिटीज़ दे रहे हैं। दिल्ली सरकार कुछ नहीं पे करती एज़ पर द स्कूल मैनेजमेंट। ये एक नॉर्मल पेरेंट की फीस से ही चार्ज होकर उनके एक्सपेंसेस के लिए जाता है, चाहे उनकी स्विमिंग चार्जेज हों, चाहे उनकी ड्रेसेज हों, चाहे उनका उनकी बुक्स हों, उनकी स्कूल फीस, ये सब का सब नॉर्मल पेरेंट्स जिनके जो जनरल कैटेगरी से आते हैं उनके बच्चों के ऊपर थोपा जाता है। तो ये दिल्ली सरकार से भी हमारी रिक्वेस्ट है, इसको देखें और ये जो जो ढोंग चला रखा है एजुकेशन के रिगार्डिंग, इसके ऊपर एक ओपन डिस्कशन हो कि इस फीस को कौन बियर कर रहा है, दिल्ली सरकार बियर कर रही है या पेरेंट्स बियर कर रहे हैं। दीपक भारद्वाज, यहाँ सभी पेरेंट्स के साथ हम लोग इकट्ठा हुए हैं। हम आज इंद्रप्रस्थ स्कूल द्वारका सेक्टर 10 के मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट करने आए हैं कि लास्ट ईयर उन्होंने तकरीबन 14% फी हाइक किया था और इस साल भी उन्होंने तकरीबन 15% अप्रैल में फी हाइक कर दिया है। हम उनसे रिक्वेस्ट करने आए हैं कि पेरेंट्स पे इतना प्रेशर ना बनाए और उस फीस को वापस लिया जाए। हमारी इस चैनल के माध्यम से हमारी शिक्षा मंत्री आतिशी जी से और हमारे सीएम केजरीवाल जी से भी ये रिक्वेस्ट है कि इस पे कुछ एक्शन लिया जाए और ये रिक्वेस्ट की जाए कि पेरेंट्स पे इतना बर्डन ना किया जाए, क्योंकि सभी पेरेंट्स के एक या दो या तीन बच्चे भी इस स्कूल में हैं। तो अगर 3,000-4,000 पर मंथ फीस बढ़ती रहेगी तो वो काफ़ी ह्यूज अमाउंट हो जाएगा। तो हम सब लोगों की रिक्वेस्ट यही है और आज सभी इसी जगह इसी संदर्भ में इकट्ठा हुए हैं।